बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, पड़ोसी देश के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है और नाकाबंदी और तेज करनी है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंतित हूं। उत्तर प्रदेश बीजेपी और कोर कमेटी की बैठक में दिखी योगी सरकार की सुपर 30 की झलक, सीएम योगी के पास बैठे नजर आए दोनों डिप्टी सीएम, उपचुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस का धरना, कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने कहा कि मुकेश भाकर का निलंबन वापस नहीं होगा, तब तक धरना जारी रहेगा। इसी हफ्ते राज्यसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन विधेयक, केंद्र सरकार ने दिए संकेत, कहा कि संशोधन मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, विपक्ष वक्फ विधेयक का करेगा विरोध, कहा सर्वदलीय बैठक में नहीं हुई चर्चा। आज दो दिन के दौरे पर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला दौरा, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम पुष्कर धामी आज सोनप्रयाग का दौरा करेंगे, केदार घाटी से संबंधित आपदा पर अधिकारियों के साथ करेंगे ब्रीफिंग। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों की 3 मददगारों को दबोचा, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी मिली, भीमसेना नेता पर मामला दर्ज, भीमसेना आरक्षण में ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गहमा गहमी का माहौल, दो प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर नोकझोंक हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लाम पढ़ाए जाने पर बवाल हुआ, बीजेपी के एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जताई आपत्ति, पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा धर्म के इतिहास को पढ़ाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। सागर में हुए हादसे के बाद जागा दमोह, नगर निगम प्रशासन दमोह में पथरिया वार्ड 7 में कई साल पुराने जर्जर भवन को नगर पंचायत और प्रशासन ने ढाया और इस मकान में बीते कई सालों से मकान मालिक नहीं रहते थे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जहां सिसोदिया ने सीबीआई और दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की है। दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम में 14 की मौत हो गई है और इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने की घटना उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, धमाके से 14 साल के लड़के की मौत हो गई है और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया और हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर की शिकारपुर कोतवाली पुलिस की करतूत कैमरे में कैद हो गई, पुलिस ने निर्दोष युवक की कार में खुद रखा तमंचा, युवक का अवैध तमंचा रखने के जुर्म में जेल भेजा गया, वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया। यूपी के झांसी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, सन की बेटे ने मां बाप और भाई को कुल्हाड़ी से किया लहूलुहान, फिर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग और तोड़फोड़ की है, तमंचे और लाठी डंडे के साथ सीसीटीवी में कैद हुए, पुलिस कर रही है तलाश, सभी फरार। शामली में हरिद्वार से लौटे श्रद्धालुओं को नॉनवेज परोसने पर हंगामा हुआ, पुलिस ने आरोपी दुकानदार तनवीर को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में तख्ता पलट पर अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम अब हिंसा को समाप्त करने और जवाबदेही के लिए समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, हमले में हिजबुल्ला राडवान फोर्स के कमांडर अली जमाल अल्दीन जवाह मारा गया। इसराइल ने गाजा पट्टी में अपने सैन्य हमले में मारे गए 80 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के शव लौटाए और इन शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया। अमेरिका के गोल्फ कोर्स में छोटा विमान हुआ क्रैश, पायलट मामूली रूप से घायल हुआ, जहां बाल बाल बचा, पाइपर पीए 28 विमान में पायलट अकेला सवार था। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान डेबी ने दी दस्तक, फ्लोरिडा के बोका ग्रांडे तट से दो नाविकों को डूबने से बचाया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में डेबी तूफान ने मचाई तबाही, आधी तूफान की वजह से 2 लाख से ज्यादा घरों की बिजली हुई गुल।
इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट इतना ज्वालामुखी से फिर से फटा ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख आसमान में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई और एहतियात के तौर पर कुछ उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। और इधर बात करते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी इस खबर की, क्योंकि शामली में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं को वेज बिरयानी के स्थान पर नॉनवेज बिरयानी खिलाने पर हंगामा खड़ा हो गया। इसी से जुड़ी एक मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। शामली में हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौटे कांवड़ियों को नॉनवेज खिलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांवड़ियों का आरोप है कि जानबूझकर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की गई और उनकी कांवर यात्रा खंडित की गई। आरोप है कि वेज बिरयानी का स्टॉल लगाए तनवीर नाम के दुकानदार ने जानबूझकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर नॉनवेज बिरयानी परोसी। श्रद्धालुओं ने इस मामले में आरोपी दुकानदार के विरुद्ध जमकर हंगामा किया और कहा कि इसने जानबूझकर वेज के स्थान पर नॉनवेज खिलाया। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया और शांति भंग करने की धाराओं में चालान कर दिया। हिंदू धर्म गुरु यशवीर महाराज ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी दुकानदार के खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज नहीं किए गए तो वो आरोपी दुकानदार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस तरह के हिमाचल में बाढ़ के हालात बने हुए उसको लेकर के आज कंगना रनौत हिमाचल का दौरा करेंगी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हाल जानेंगी। देखिए एक मिनट में पूरी खबर। मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत हिमाचल जा रही हैं। कंगना आज हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात करेंगी। वो कुल्लू जिले के बागीपुल में आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगी। कंगना बारिश और भूस्खलन से पीड़ित परिवारों से चर्चा करेंगी। वहीं मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 6 अगस्त तक भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया। इनमें संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने की संभावना और तेज हवाओं के कारण बागानों और खड़ी फसलों और घरों को नुकसान पहुंचने तथा निचले इलाकों में जल भराव की आशंकाओं के बारे में भी आगाह किया गया है। इस बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश जारी रही। कसौल में 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सियोबाग में 19 मिलीमीटर, हमीरपुर में 11 मिलीमीटर, मनाली में 10 एमएम, नाहन में 7.2 मिलीमीटर, नादौन, बिलासपुर में 7.7 मिलीमीटर, धर्मशाला, सोलन और केलांग में 3.3 मिलीमीटर, मंडी और चंबा में 2-2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और इधर अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष जूली ने मंत्री के बेटे को सरकारी वकील बनाने का मुद्दा उठाया। प्रतिपक्ष का लगातार हंगामा देखने को मिला और इसी के चलते मुकेश भाकर सदन से निलंबित कर दिए गए। एक मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। मंत्री के बेटे को सरकारी अधिवक्ता नियुक्त करने के मुद्दे पर कल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए प्रदेश के 12 जिलों में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति का मामला उठाया। टीकाराम जूली ने कहा कि देश में सीआरपीसी 30 जून को खत्म हो गई और 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है, लेकिन राजस्थान सरकार के विधि सचिव ने 12 जिलों में राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति सीआरपीसी के तहत किए हैं, जबकि उनकी नियुक्ति भारतीय न्याय संहिता के तहत होनी चाहिए थी। इसके बाद जूली ने मंत्री के एक बेटे को सरकारी वकील के तौर पर नियुक्ति देने पर भी सवाल उठाए और इस पर चर्चा करने के लिए मंत्री से जवाब देने की मांग की। स्पीकर ने चर्चा करने से इनकार कर दिया तो प्रतिपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सरकारी मुख्य सचेतक जगेश्वर गर्ग ने कहा कि मंत्री का बेटा होना गुनाह नहीं है, नियमों में आएगा तो ही बना होगा। इसके बाद राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर को सदन से निलंबित कर दिया।